हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी बज रहा है शाम का 6, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के 6 बजे से हो रही है। आज सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, फिलहाल रेडी हो गए हम। तो ये इसमें ना जो पूजा का सामान होता है ना, धूप बत्ती वगैरह का जो एक्स्ट्रा होता है वो रखा हुआ है इसमें, तो ये उधर गंगा में प्रोवाइड कर देंगे ना। तो चलो फिलहाल सब रेडी हो गए, सब गाड़ी के अंदर बैठ गए। ये देखो भाई, श्रियांश ने गाड़ी खोल दी है और वंशु और दीदी आगे बैठ गए। हेलो। तो दीदी इस ब्लॉग में फिर से आ गई है और टाटा पंच में बैठ गई है। यार अब वंशु हम जा रहे घूमने कालसी माता मंदिर में जा रहे कालसी। और वंशु भी ब्लॉगिंग कर रहा है। कुछ धन मिचो मंदिर मांगो। क्या धन? तेल तूल माँ दे नहीं माँ पैसा दो रुको तेल ना तेल तूल सनी मंदिर भी तक। हाँ हाँ तो तेल तूल क्या हो गया? बैठ गया। चल बैठने दे इसको, बैठने दे, कोई बात नहीं। 5 सीटर गाड़ी है तो 5 हम 5 ही हैं। कोई बात नहीं, बैठने दे इसको। मुझे यार गाड़ी के हिसाब से क्यों नहीं बैठ? चलो भाई हम अभी जा रहे हैं काली माता मंदिर कालसी में दर्शन करने। तो चलो हमारे साथ आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर पाते हैं। टाटा पंच लेके पहली बार जा रहे हैं काली माता मंदिर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैं प्रोवाइड कर देते हैं। तो गाइज हम थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं काली माता मंदिर कालसी में। बहुत बार आ गए हम, लेकिन जब भी आते हैं ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है हमेशा, तो आज भी वही है। और आज हम पहली बार शाम को आ रहे हैं भाई, हमेशा हम सुबह आते हैं तो शाम को भी बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा सुंदर लग रहा है बाहर ना। सामने देख गाइस गाय को गंदी नहीं बोलते होते। गाय हमारी माता है। वंशु को कुछ नहीं आता है तभी तो गाय को गंदी बोल रहा। गाइस अभी यहाँ पे कालसी में प्रसाद ले रहे हैं दीदी, धूप पिठाई। गाय तो वंशु तो बैठ नहीं पा रहा, तो प्रसाद लेके आ गए। बुआ फट से बैठ। अब चलते हैं मंदिर में। तो मंदिर तो आ गया, ये रहा पीछे मंदिर। तो अभी मैं गाड़ी पार करूंगा, चलो उतरो। चलो भाई मंदिर पहुंच गए। जय बजरंगबली। यहाँ पे है भाई हमारे शनि महाराज, जय श्री श्री देव। गाइस अभी मंदिर में पूजा वगैरह हो गई है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते हैं आराम से, मस्त भगवान के गाने सुनते हैं यहाँ पर। तो मंदिर से हम बाहर आ गए हैं और मेन गेट पर आ गए हैं, अब बजा देते हैं यहाँ पर घंटी। जय हो। बजाना नू बजा घंटी बजा बजाओ बजा 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 तुझे बजाएं। हाँ। तो अभी आ गए हैं अपनी गाड़ी में फिर से पंच में, तो चलो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वापस अपने घर। तो गाइस फाइनली अपने घर पहुंच गए सुरक्षित माता रानी की कृपा से, और फिलहाल ले आए हैं कुछ खाने के लिए और गोलगप्पे लाए हैं हम। तो शानू ब्लॉग देख रही है तो मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा तेरे। ये रहा गोलगप्पे का पानी, ये रहे आलू, ये रहे आलू छोटे छोटे, और ये रहे गोलगप्पे बड़े बड़े। स्प्रिंग रोल ला रखा मैं, स्प्रिंग रोल भाई। इतना सारे चीज खाएंगे हम सब मिलके। तो भाई वंशु और श्रियांश दोनों टूट पड़े। ये वंशु कर रहे हैं, ये देखो इनको भाई बाहर की चीजें खिलाने का खिलाओ ना मस्त हो जाते हैं। दो महीने से नहीं खाया यार। 2 महीने से लो। आज हुआ कुछ? खुश हुआ नहीं हुआ? हाँ। हाँ चल पापा बोल के दिखा। फंस गया क्या? आज तो मैंने ब्लॉग में बोल दिया गाइस श्रियांश मुझे पापा नहीं बोलता है। देख लो आप, टॉपर बच्चा है ये और ये पापा को पापा नहीं बोलता है। पापा? बोल दिया मैंने ब्लॉग में। अरे ऐसे क्यों कर रहा? शर्म आ रही? इसे सारे खराब कर दिए। चलो भाई ये आ गए पतीली में मस्त वाला पानी। Guys,
गाय जी एक चीज भूल गया मैं, पनीर लाना भूल गया मैं। जाओ ना जाओ नहीं हेलो देख। तो भाई चलो कॉपरेट वाली फैमिली है मेरी, तो माँ ने और दीदी ने बोल दिया कि आलू मटर बनाएंगे। मेरा विचार था पनीर खाने का, पर चलो आलू मटर ही बनाएंगे आज। तो चलो अभी फिलहाल खा लेते हैं गोलगप्पे और स्प्रिंग रोल। देखो खा पी के मस्त हो गए, अब टीवी देखने लग गए दोनों। नानू को लगी मिर्ची, क्यों खाई इतनी मिर्ची, सब खेलते हैं। तो एक काम है सीजन बेको तो गाइस अभी बन गया है डिनर, और डिनर बनाया आज दीदी जी ने। तो आज माँ ने रेस्ट किया आज, क्योंकि रोटी सब्जी दीदी ने बनाई। तो चलो अभी खा लेते हैं, आलू और मटर बना हुआ है और साथ में रोटी बनी हुई है। तो गाइस अभी डिनर वगैरह हो गया है और वंशु देखो सो गया है, ये तो काफ़ी पहले सो गया है, घंटे पहले ही। तो आज हम गए थे काली माता मंदिर कालसी में फिर से, तो वहाँ जाके यार बहुत अच्छा लगता है जब भी हम जाते हैं। तो आज तो काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज आज हम अपनी टाटा पंच लेके गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा और आज तो दीदी भी आई थी साथ में, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।